acknowledge me. तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रोमन रेंस की टॉप फ्यूचर अपोनेंट्स के बारे में। तो कौन हो सकते हैं रोमन रेंस के फ्यूचर अपोनेंट्स, उनके अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए इसके बारे में बात करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम गाइस हम लोग जो है वेस्ट नहीं करते बहुत सारे कमाल के नेम से। एंड गाइस यहाँ पर से लिस्ट के अंदर मेरे ख्याल से पहला नाम होगा वो होगा फॉर्मर WWE चैंपियन द ऑलमाइटी बॉबी लैशली। एंड मेरे ख्याल से गाइस ये बहुत सही चीज़ होगी, ये होगा लैशली एंड रोमन का आमना सामना। एंड ये गाइस मैच जो हो भी सकते हैं, इसके चांसेस भी हैं। एंड मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसके बहुत चांसेस भी हैं। एंड एक फेस बॉबी लैशली वर्सेस हील रोमन एक पावर हाउस के बीच, दोनों ही के बीच काफ़ी कमाल का मैच हो सकता है। एंड अगला सुपरस्टार भी रॉ की ओर से है, यह है अपने रेटेड आर सुपरस्टार एज। एंड एज मेरे गाइस से बहुत सही अच्छा चॉइस हो सकते हैं। पता है ये मैच पहली बार हो नहीं हो रहा है, पहले भी हुआ था लेकिन मैच भी वो काफ़ी कमाल का था। एंड इस बार एज एक हील कैरेक्टर के अंदर है एंड उनके फैक्शन भी है, तो ये केमिस्ट्री भी काफ़ी तगड़ी हो सकते हैं। एंड एज के मैचेस हमें अपसेट तो करते नहीं है। एंड मेरे ख्याल से डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छा मैच हो सकता है। एंड एक अच्छे अपोनेंट भी एज हो सकते हैं फिर एक बार रोमन रेंस के लिए। एंड एज के गाइस अभी फिलहाल राइवल अपने फिनोमिनल वन एज स्टार्स हो सकते हैं अपने रोमन रेंस के नेक्स्ट टारगेट। एंड गाइस हो सकता है फाइनली एक बार रोमन रेंस वर्सेस एज स्टार्स के बीच में, कौन इस मैच को देखना नहीं चाहता। एंड इस बार एक तगड़े लेवल पर रोमन रेंस एंड एज स्टार्स अभी तक उनका आमना सामना नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली ये मैच एक बहुत ही तगड़ा मैच होगा। एंड अगले सुपरस्टार है वो है अपने रैंडी ऑर्टन। एंड गाइस रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस एक लॉक मैच मेरे ख्याल से स्टिल है WWE में। एंड मेरे ख्याल से ये आज ना कल तो होने ही वाला है, लेकिन डिफरेंट चीज़ें कह रही थी कि किस तरीके से आखिर में होगा, लेकिन किसी भी तरीके से हो मेरे ख्याल से मैच एक बेस्ट मैच होगा। एंड अगले जो अपोनेंट है वो गाइस है जिन्होंने रोमन रेंस को हराया है, वो है अपने सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। एंड रोमन रेंस ने रॉलिंस को अब तक नहीं हराया है उनके इस पूरे लिस्ट में। एंड जो भी सुपरस्टार को हराया है उसमें रॉलिंस का नेम नहीं है। एंड रॉयल रंबल का बदला भी लेना है, तो मेरे ख्याल से फिर एक बार एक अच्छा मैच होगा रॉलिंस एंड रोमन रेंस के बीच। एंड अगले सुपरस्टार तो होगी रेसलमेनिया बैकलैश में, इट्स स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर। एंड गाइस मैकइंटायर तो यहाँ पर है ही, क्योंकि इसके पीछे तो चांसेस भी थे कि मैकइंटायर को फाइनली रेसलमेनिया के बाद टाइटल फ्यूड में WWE इन्वॉल्व भी करने वाली थी। एंड अब जाके मैकइंटायर ने जो है अगले वाले स्मैकडाउन के अंदर जो है रोमन रेंस पर अटैक भी किया है, कि दैट में से चीज सिंपल है कि इन दोनों का मैच होने ही वाला है। एंड अगले सुपरस्टार है वो सिर्फ टाइटल ही कैप्चर करने के लिए आए हैं, वो है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। एंड कोडी रोड्स को सिर्फ एक ही चीज़ करनी WWE में, उनको अपने फादर के ड्रीम को पूरा करना। एंड उनको चाहिए WWE की चैंपियनशिप। एंड गाइस वो है रोमन रेंस के पास, एंड इसीलिए ये मैच होगा ये एक बार रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के बीच। एंड सेकेंड नंबर पर मैंने जिस सुपरस्टार का नाम रखा है ये है गाइस अपने रिटर्निंग जॉन सीना। एंड सरप्राइज है, लेकिन मे बी जॉन सीना फिर एक बार आ सकते हैं वापस एंड वो रोमन रेंस को चैलेंज कर सकते हैं। एंड मेरे ख्याल से जॉन सीना जून के अंदर वापस आएंगे जुलाई में। एंड मेरे ख्याल से गाइस एक फॉर श्योर एक काफ़ी तगड़ा एंड काफ़ी अच्छा मैच हो सकता है। एंड क्या इस बार सीना आते तो क्या रोमन को हरा पाएंगे। एंड फर्स्ट नंबर पर गाइस मैं अपने द रॉक का नाम नहीं रख रहा हूँ, रॉक भी है लेकिन रॉक से भी बड़े एक और सुपरस्टार है जो कि गाइस उनके ओल्ड राइवल अपने बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। एंड एक ही सुपरस्टार है जो कि फिर एक बार रोमन रेंस को हरा सकता है, एंड ये है अपने बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। एंड मे बी गाइस लेसनर ही हो सकते हैं जो कि रोमन रेंस की
टाइटल रीन को हमें एंड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। एंड मे बी गाइज रोमन वर्सेस ब्रॉक एक डेफिनेटली रीमैच हो भी सकता है। एंड देखते हैं कौन जीतता है इस फिर एक बार के रीमैच में। एंड आज की वीडियो बस इतनी थी। एंड गाइज वीडियो अगर पसंद होगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड गाइज मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर।